बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को ये न्यू बॉर्न बेबी की कैप बनाना बताऊंगी। ये देखिए, मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था, ये देखिए मैंने इस तरह से बनाई है। ये 3 to 6 month बेबी की कैप, बेबी पापा दोनों यूज़ कर सकते हैं। ये कैप है और ये न्यू बॉर्न की कैप है। ये मैं आप लोगों को न्यू बॉर्न बेबी की कैप है, ये मैं आप लोगों को आज बना के बताऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये मैं डबल शेड के यान से बनाऊंगी। ये देखिए ये है और 3.0 नीडल से बनाऊंगी, क्रोशिया नीडल से बनाऊंगी। स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम नॉट बनाएंगे। इस तरह से हम नॉट बनाएंगे। नॉट बना के हम नॉट बना के हम 5 chain बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से धागे को कर लेंगे। वन टू 3 4 5 5 chain बना ली हमने। फिर लास्ट चेन से हम इसको स्लिप नॉट लगा लेंगे इस तरह से। ये स्लिप नॉट लगा ली हमने। स्लिप नॉट लगाने के बाद हम फिर 2 chain लेंगे और फिर हम इसके अंदर ये जो होल नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये वाला होल नज़र जो आ रहा है, उसके अंदर हम 12 double crochet बनाएंगे। 12, ठीक है। ये देखिए, वन, ये देखिए 12 हम बनाएंगे। एक हमारा बन गया। ये जो हमने चेन बनाई है उसको भी एक हम डबल क्रोशिया काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 इसकी वजह से ना मुझे बड़ी मुश्किल हो। 5 6, ये देखिए ये इस तरह से बनेगा। हम होल में पूरे 12 double crochet बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए हमारे बन गए पूरे 12 double crochet इस तरह से। ये देखिए, फिर हमने जो 2 chain बनाई थी स्टार्टिंग में, हम उसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। सेकेंड चेन पे हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर दोबारा से हम 2 chain बनाएंगे। 1 2, पहले हमने फर्स्ट राउंड में, हमारा सेकेंड राउंड स्टार्ट हुआ। फर्स्ट राउंड में हमने 12 double crochet बनाए। अब हम 24 बनाएंगे। हर स्टेज में हम 2 double crochet बनाएंगे। देखिए, एक हमने चेन बनाई थी, फिर सेम स्टेज में हमने एक और बना दिया, 2 double crochet बन गया। अब फिर नेक्स्ट में हम 2 double crochet बनाएंगे। 1 2, ये हो गए हमारे 4, 1 2 3 4। 2 stage में हमने 2 करके बनाए तो हमारे 4 double crochet हो गए। 4 5 6 7 8
नाइन टेन, पूरे हमको 24 बनाना है। देखिए ये देखिए, हमने 12 बनाए थे ना, जो हमने 12 बनाए थे ना उसके डबल कर लेंगे तो 24 हो जाएंगे। 10, 11, 12, ये देखिए हमारे पूरे 24 बन गए। हमने पहले राउंड में 12 बनाए थे, फिर 12 के ऊपर हमने 24 बनाए हैं। हर स्टेज में हमने दो दो डबल डबल क्रोशिया बनाए हैं, ठीक है। ये देखिए, अब हम जो दो चेन बनाए थे स्टार्टिंग में, सेकंड वाली चेन से हम स्लीव स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हम स्लीव स्टिच कर लेंगे। फिर अब हम बनाएंगे टू चेन। ये देखिए हमने बनाए दो चेन। फिर अब हमारा ये थर्ड राउंड स्टार्ट हो रहा है। अब हम बनाएंगे हर एक स्टिच में टू बनाएंगे, टू डीसी बनाएंगे, टू डबल क्रोशिया बनाएंगे, और नेक्स्ट में वन टू वन टू वन, इसी तरह करके हम बनाते चले जाएंगे। इस तरह हमारे पूरे टोटल बन जाएंगे इस राउंड के 36। पहले हमारे 12 थे, फिर 24 थे, फिर 36, ठीक है। अब स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए, ये जो हमने तीन चेन बनाई, ये भी एक डबल क्रोशिया ही कहलाएगा। फिर हमने दो बनाने हैं, फिर हम इसमें सेम स्टिच में एक और बना लेंगे डबल क्रोशिया। दो बन गए हमारे। अब ये नेक्स्ट स्टिच में हमारा एक बन गया, एक बन गया। फिर नेक्स्ट में टू बनाएंगे हम, ये देखिए वन वन और टू, ठीक है। ये वन और टू ये बनाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ये देखिए, पहले हमने फर्स्ट में टू बनाए, फिर वन बनाए, फिर टू बनाए, फिर वन बनाए। इसी तरह करके हम बनाते चले जाएंगे, इंक्रीज करते चले जाएंगे हम डबल क्रोशिया। फिर टू बनाएंगे, वन टू, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए हमने स्टार्टिंग में टू बनाए, टू बनाए, वन बनाए, टू बनाए, फिर वन बनाए, फिर टू बनाए, फिर वन बनाएंगे। फिर टू बनाएंगे, वन, नेक्स्ट स्टिच में टू बनाएंगे, वन, फिर टू। ये देखिए, इसी तरह से हम बनाते चले जाएंगे, बनाते हुए हम पूरे राउंड में कंप्लीट करेंगे। टू बना लिया हमने, फिर हम वन बनाएंगे, वन, फिर नेक्स्ट में टू बनाएंगे, वन, ये टू। ये देखिए, इस तरह से बनता चला जाएगा। ये देखिए, हमारा थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब ये हमारे पूरे 36 होंगे, ये हमारे 36 होंगे पूरे। ये देखिए, पूरे हमारे 36 होंगे। हम काउंट कर लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टीन थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स, पूरे ये 36 हो। फिर हम इसको स्टिच स्टिच कर लेंगे। हमने जो स्टार्टिंग में टू चेन बनाई थी, उससे ऊपर वाली चेन से हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। सॉरी, इस तरह से। ये देखिए इसका
स्लीव स्टिच के। ये हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हुआ। ठीक है, फिर हम टू चेन बनाएंगे, वन टू, टू चेन बनाएंगे। ये देखिए, फर्स्ट राउंड में हमने 12 बनाए थे, फिर सेकंड राउंड में हमने 24 बनाए, फिर थर्ड राउंड में हमने 36 बनाए। अब हमारा फोर्थ राउंड शुरू होगा। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए हमारा थर्ड राउंड पूरा कंप्लीट हो गया। फिर हमने टू चेन बनाई, अब हम बनाएंगे टू चेन, वो टू एक स्टेज में टू डीसी बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में वन बनाएंगे, फिर उससे नेक्स्ट में वन बनाएंगे। ठीक है, दो दफ़ा वन लेंगे और एक दफ़ा में, एक स्टिच में दो दफ़ा डीसी लेंगे। ये देखिए इस तरह मैं बता देती हूँ, तीन चेन बनाई हमने, ये एक चेन काउंट होगी, एक चेन ये हो गई, और इसी सेम स्टिच में हम एक और डीसी बना लेंगे, यानी डबल क्रैश है। ठीक है, ये हमारी बन गई। फिर हम नेक्स्ट में वन डबल क्रेशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में वन डबल क्रेशिया, ये देखिए मैं नेक्स्ट में बना रही हूँ, फिर नेक्स्ट में हम वन डबल क्रेशिया बनाएंगे, ये देखिए ये बन गई टू डी टू, टू डबल क्रेशिया, फिर वन, फिर वन, फिर हम टू डबल क्रेशिया बनाएंगे, वन, एक स्टेज में टू डीसी बनाएंगे, टू। ठीक है, फिर वन, नेक्स्ट में वन, फिर नेक्स्ट में वन, इसी तरह हम करते बनाते चले जाएंगे। तो हमारे पूरे यहाँ तक कि जब हमारा बन जाएगा तो टोटल हमारे पास होंगे डीसी 48 डीसी होंगे। ठीक है, पहले हमने बनाए टू, फिर वन, नहीं सॉरी, टू वन, टू वन वन, टू वन वन, फिर टू, फिर वन वन, फिर हम बनाएंगे टू डीसी एक स्टेज में, इस तरह बनाएंगे हम टू डीसी एक स्टेज में, टू डीसी बना लेंगे, फिर वन, फिर नेक्स्ट में वन, नेक्स्ट में वन, इसी तरह से हम बनाते चले जाएंगे। पहले हमने टू बनाए एक स्टिच में, टू डीसी बनाए, फिर वन वन। ठीक है, फिर टू बनाएंगे, वन, फिर सेम स्टिच में एक और बनाएंगे, टू, टू डीसी हो गए, फिर वन, फिर वन, ये देखिए इसी तरह से हम बनाते चले जाएंगे, इंक्रीज हम अभी करते चले जाएंगे डीसी। ठीक है, पहले हमने टू बनाया, फिर वन वन, फिर टू, फिर वन वन, फिर टू वन वन, इसी तरह करके हम पूरे एंड तक बनाएंगे इसको। ये देखिए नाजी, हमारे फोर राउंड पूरे कंप्लीट हो चुके थे। मैंने स्टार्ट किया है थ्री चेन के साथ। अब हम फाइव राउंड इस तरह से बनाएंगे, जैसे हमने फोर राउंड में एक स्टिच में टू डीसी बनाए थे, फिर एक बनाए थे नेक्स्ट में, फिर एक बनाए थे, दो दफ़ा एक एक बनाए थे ना। अब हम फाइव राउंड में ऐसा करेंगे, एक स्टिच में टू डीसी बनाएंगे, फिर एक स्टिच में एक एक एक, तीन दफ़ा एक एक डीसी लेंगे और एक स्टिच में दो दफ़ा देंगे डीसी। ये देखिए मैं आप लोगों को करके बता देती हूँ। ये देखिए, ये नेक्स्ट में अब हम टू टाइम देंगे वन, ये देखिए टू टाइम देंगे वन और टू। ठीक है, ये देखिए मैंने टू टाइम लिया ही, अब फिर
नेक्स्ट में हम 1 डीसी लेंगे, 1 टाइम देंगे डीसी, फिर नेक्स्ट में 1 टाइम देंगे, फिर नेक्स्ट में 1 टाइम देंगे, यानी कि 3 टाइम हम 1 1 टाइम डीसी लेंगे। ठीक है, देखिए 2 2 डीसी लिए, फिर 1 1 1 3 दफ़ा, इसी तरह हम करते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये 2 डीसी बनाएंगे, 1, फिर सेम स्टिच में हम एक और बनाएंगे, 2, फिर नेक्स्ट में 1 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 1 बनाएंगे हम इस तरह से, ये देखिए, फिर नेक्स्ट में 1 बनाएंगे, 3 टाइम 1 1 टाइम बनाएंगे डीसी, फिर नेक्स्ट में 1 बनाएंगे, ये देखिए 2 डीसी 1 1। इसी तरह से करके हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 4th राउंड में हमारे पास 48 हो गए थे, 4th राउंड में हमारे पास 48 डीसी हो गए थे, और फिफ्थ राउंड में हमारे पास 60 डीसी हो जाएंगे। इस तरह से हम इंक्रीज करेंगे, ये बस हमारा लास्ट राउंड है इंक्रीज का, फिर इसके बाद हम इंक्रीज नहीं करेंगे। ये देखिए, ये हमारा 5th राउंड भी कंप्लीट हो गया है। 4th राउंड में हमने 48 बनाए थे डीसी, और 5th राउंड में हमने 60 डीसी बनाए। ठीक है, ये हमने हमारे 5 राउंड हमारे पूरे कंप्लीट हो गए। अब हम इंक्रीज नहीं करेंगे, अब हम हर स्टिच पर एक एक डीसी लेते चले जाएंगे, पूरे हर स्टिच पर एक एक डीसी लेते चले जाएंगे। ये देख लें आप लोग, ये हमारे 5 राउंड कंप्लीट हो गए। अब हम 6th राउंड बनाएंगे, देखिए अब हम इंक्रीज नहीं करेंगे, 1 2 चेन बनाएंगे, और हर स्टिच पर हम एक डीसी बनाएंगे। देखिए इस तरह से हर स्टेज पर हम एक डीसी बनाएंगे इस तरह से, देखिए, पूरे हमने 5th राउंड में हमने 60 बनाए थे, तो हमारे पूरे 60 होंगे ये डीसी। देखिए इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे एक ही डीसी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ आप लोगों की बस सपोर्ट की थोड़ी ज़रूरत होती है। देखिए एक एक डीसी लेते चले जाएंगे, अब ये हम आप इंक्रीज नहीं करेंगे ना, तो ये देखिए इस तरह से टर्न होते चले जाएंगे, ये देखिए खुद ब खुद। देखिए इस तरह से बनाते चले जाएंगे। ठीक है, ये देखिए मेरे 8वां राउंड मेरा स्टार्ट हुआ है। मैंने 6 और 7 2 राउंड्स बनाए, फिर 8वां राउंड मैंने स्टार्ट किया है। इसी तरह से हमको हर राउंड में डबल क्रोशिया बनाते चले जाना है। अब पहले हम इंक्रीज कर रहे थे, 5 राउंड तक हमने इंक्रीज किया, फिर उसके बाद पे हमने इंक्रीज नहीं किया, फिर हमने हर स्टेज पे मैंने एक एक डीसी डाली है। ठीक है, इसी तरह से हम
अब सारे राउंड इसी तरह से हम बनाते चले जाएंगे। ये देखिए इसका शेप इस तरह से आएगा, ठीक है। ये देखिए ये आठवां राउंड मेरा स्टार्ट हुआ। इसी तरह करके हम पूरे 12 राउंड बना लेंगे, 12 एंड 13, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हर स्टेज में हम अब डीसी लेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम हर स्टेज में एक डीसी लेते चले जाएंगे। बहुत ही इजी कैप बनाना, बहुत ही सिंपल और इजी है ये कैप बनाना। बिगनर्स भी बना सकते हैं ये कैप, बहुत इजी है। सिर्फ डबल क्रोशिया से बनी है ये देखिए। इसी तरह से हम बनाते चले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से इसका शेप आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको पूरे 11 राउंड करके फिर बताती हूँ, ठीक है। ये मेरा 8वां राउंड स्टार्ट हुआ है, ठीक है। करके बता देती हूँ मैं आप लोगों को 8 राउंड। हर स्टेज में एक डीसी लेना है, बस इसी तरह से लेते चले जाना है। हर स्टेज में एक डीसी लेते जाएंगे हम, आगे बढ़ते जाएंगे। कोई भी मुश्किल नहीं है इसको बनाना। और अगर आपको बड़ी बड़ी कैप बनाना है तो जिस तरह हमने राउंड बनाए इंक्रीज़ करके, इसी तरह आप इंक्रीज़ करते चले जाएंगे। ताकि जिस तरह मैंने 5th राउंड में आप लोगों को बताए थे कि एक स्टेज में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 टाइम 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 स्टेज में। इसी तरह 3 बनाया था हमने 5th राउंड में, फिर 4 कर लेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह फिर नेक्स्ट राउंड में आप 5 कर लेंगे, फिर 6, इस तरह जितनी बड़ी आप लोगों को बनाना है उतनी बड़ी बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। बस स्टिच इंक्रीज करते चले जाना आप लोग। फिर डिज़ाइन भी डाल सकते हैं, ये मैं आप लोगों को पूरे 11 राउंड करके बताती हूँ, ठीक है। ये देखें ये इस तरह से शेप आया कैप का, ठीक है। ये हमारे 9 राउंड में कंप्लीट हुई है। ये मैंने आप लोगों को 11 राउंड लेते थे, सॉरी, वो 11 राउंड में बहुत बड़ी हो रही थी ये, तो मैंने इसलिए 9 राउंड में कंप्लीट कर दिया। अब फिर अच्छा, अब हम जब लास्ट के ये जैसे ये मैंने 2 लाइनें बनाई थी ना कलर के, तो लास्ट की 2 लाइनों में सिंगल क्रोशिया की बना लूँगी, ठीक है। फिर हमारी कैप कंप्लीट हो जाएगी। देखिए सिंगल क्रोशिया की 2 लाइनें बना लेंगे हम। ये देखिए
लास्ट में सिंगल क्रोशे की दो लाइनें बनाने से बहुत अच्छी लगती है। देखिए इसी तरह से, इस तरह से ये देखिए, इस तरह से बनाते चले जाएंगे हम। इसकी जगह आप कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं, मैं आप लोगों को डिज़ाइन के साथ भी इंशाल्लाह बताऊंगी कैप ना। इसी तरह से ये नजर आएगी, इस तरह से ये शेप बनेगा इसके, इस तरह से ये नजर आएगी। ठीक है, ये देखिए हमारा राउंड, सारे राउंड हमारे खत्म हो गए। पूरे सिंगल क्रोशे की लाइनें दोनों मिला के हमारे पूरे 11 राउंड हो गए। ठीक है, हम इसका धागे को काटेंगे, इसको नॉट लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, नॉट लगा के ये कैप हमारी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए इस तरह से बनी ये कैप, बहुत इजी है। इसके पूरे 11 राउंड बने हैं और डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया से बनी है ये। ठीक है, अभी उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। ज़रूर मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा बनाने की। ठीक है, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।